गांव भीकनपुर सोमाली में खाने के दौरान बराती और घरातियों के बीच जमकर हुई मारपीट, पहुंची पुलिस, दुल्हन ने किया फेरों से इनकार। बता दें कि गदरोला थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर सोमाली में बराती और घरातियों के बीच में खाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद वहां पर हंगामे की स्थिति बन गई। बराती और घरातियों के बीच जमकर मारपीट होने लगी, जिसमें दो लोग घायल हो गए। दूल्हे ने अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग कर थाने पहुँचा और पुलिस को सूचना दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने शुरू हो गए, हंगामा खड़ा हो गया। इस बीच संभल के असमोली थाना इलाके के गांव फतेहपुर निवासी दूल्हा कपिल मारपीट के बीच खुद को बचाते हुए भागता हुआ थाने पहुंचा, जहां उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करने में जुट गए। बता दें कि गदरोला थाना प्रभारी राजेश कुमार तिवारी ने बताया है कि माहौल शांत करा दिया गया है और दुल्हन ने शादी से इनकार किया था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। पुलिस की मौजूदगी में फेरे कराए जा रहे हैं। मारपीट की घटना से बारात में अफरा तफरी मच गई।